हेलो पीपल, अंकिता किचन टीवी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज इस सीरीज के 28 डे पे हम लोग जाने वाले हैं नागालैंड की ओर। जी हाँ, और वहाँ की फेमस डिश हिम केजू बनाने वाले हैं। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा। तो बेसिकली ये एक अरबी की डिश है, इसमें मेन इंग्रेडिएंट अरबी है। और आपने सच बताऊं, अरबी की ऐसी डिश तो आज तक कभी नहीं ट्राई की होगी। ये बहुत ही रिच है, इसमें न्यूट्रिशन लेवल बहुत ही अच्छा है, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ये अरबी, बहुत लोग इसको घुइयां भी कहते हैं, और इसको हम पील कर लेंगे। पील करते समय अपने हाथों का ध्यान रखिएगा, बिकॉज इसको पील करते टाइम ना आपके हाथों में बहुत ज़्यादा इचिंग होगी। तो या तो आप हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लें या फिर नींबू का रस लगा लें, जिसकी वजह से ये इचिंग थोड़ी कम हो। ये देखिए, हमने सारी अरबी को अच्छे से छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें ग्रेट करना होगा। तो हम ग्रेटर ले लेंगे, और उसकी जो सबसे बड़ा वाला एरिया होगा ना, उससे हम इस सारी अरबी को ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, ये अरबी कितने अच्छी तरीके से ग्रेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर, ये काला नमक, और एक चम्मच के लगभग ये हम गेहूं का आटा ले रहे हैं। इन सब को हम इसमें डालेंगे और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको साइड में रखते हैं और चलिए इसके आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसके लिए ना हम एक ड्रेसिंग प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये अदरक का रस लिया है। बेसिकली मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया था और उसको स्क्वीज करके उसमें से ये रस निकाल लिया है। अब हम इसमें ये 1.5 चम्मच के लगभग शहद डाल देंगे। फिर हम इसमें ये आधा नींबू का रस डाल देंगे। अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी ड्रेसिंग बनके रेडी हो गई है। इसको हम साइड में रखते हैं और चलिए अगले प्रोसेस में चलते हैं। अब हम एक पैन में घी ले लेंगे। घी के गर्म होते ही मैं इसमें ये लाल मिर्ची काट के डाल दूंगी। जैसे ही ये हल्की हल्की रोस्ट हो जाएगी ना, मैं इसमें ये पत्ता गोभी डाल दूंगी। मैंने ये पत्ता गोभी को बहुत बारीक कट किया है, तो आप भी इसको ऐसे ही कट करिएगा। और इस टाइम पे ना गैस के फ्लेम को एकदम हाई कर लीजिएगा और तब इन सारी चीज़ों को कुक करिएगा। अब हम इसमें ये बॉयल किए हुए मैंने बीन्स को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। हमें इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं कुक करना, इसीलिए मैंने इसमें बीन्स को बॉयल करके लिया हुआ है। और इसको हाई फ्लेम पे कुक करिएगा, बस हल्का सा इन सब में, मतलब ये सब सॉटे हो जाए, हमें उस पे ही लेवल तक को इन सबको कुक करना है। अब हम इसमें ये भुने हुए सफ़ेद तिल भी डाल देंगे। फिर जाएगा इसमें ये काला नमक और ये काली मिर्ची पाउडर। इन सब को हम चला के मिक्स कर लेंगे। अब बस 1 मिनट के लिए हमें इन सब चीज़ों को कुक करना होगा। हाई फ्लेम पे कुक करते हुए हमने इन सारी वेजीज को हल्का हल्का सॉटे कर लिया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाने देंगे। अब हम एक पैन में थोड़ा सा और घी लेंगे, और वो जो हम लोगों ने अरबी को वैसे मिक्स करके रखा था ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और उसको एक बाइट साइज का पोर्शन की तरह इसमें पैन में ऐसे फैलाते जाएंगे, जैसे हम लोग टिक्की बनाते हैं ना, बेसिकली बिल्कुल वैसे ही। ये अरबी में इतना ज़्यादा स्टार्च होता है कि ये अपने आप सारी चीज़ें बाइंड हो गई हैं। मैंने इसमें बस 1 चम्मच गेहूं का आटा डाला था और ये एकदम बढ़िया तरीके से बाइंड हो गया है। आप बस इसको 1-1 चम्मच ऐसे उठाते जाइएगा और पैन में फैलाते जाइएगा, ये बढ़िया से एकदम टिक्की का शेप ले लेंगे। इन सारी टिक्की को हम एक तरफ से अच्छे से रोस्ट हो जाने देंगे। जैसे ही ये सब एक साइड से थोड़ी थोड़ी कुक हो जाएंगी, अब हम क्या करेंगे, बहुत सावधानी से इसको पलट लेंगे। इसको जब टर्न करिएगा ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहीं ये टूट ना जाए। टूटेगी भी थोड़े बहुत, मतलब साइड से अगर निकल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हाँ देखिएगा एकदम ब्रेक ना हो जाए। तो एकदम हल्के हल्के हाथों से धीमे धीमे करके हम इन सारी टिक्की को ऐसे टर्न कर लेंगे, ताकि ये दूसरे साइड से भी एकदम बढ़िया से कुक हो जाए। 2 से 3 मिनट तक दोनों साइड से ऐसे टर्न करके पकाने के बाद आप देख सकते हो ये कितने अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं। अब हम एक प्लेट में इन सारी टिक्कियों को ऐसे रख देंगे। फिर जो हमने वेजीज की टॉपिंग बनाई थी ना, उसको इसके ऊपर ये 1-1 चम्मच करके ऐसे रख देंगे। फिर लास्ट में हम इसके ऊपर ये ड्रेसिंग डाल देंगे। इसमें ना बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि इसमें शहद की थोड़ी सी मिठास भी है, नींबू का खट्टापन भी है, वेजीज की क्रंच है, और ये जो नीचे टिक्की है वो तो इतनी क्रिस्पी बनी है ना कि इसको खाने में मज़ा ही आ जाएगा। सच बताऊँ, जब मैं इसको सर्व कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई 5 स्टार की डिश सर्व कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि बाइट साइज पोर्शन वो लोग हर खाने का देते हैं, और इतने का ही वो लोग 500-600 रुपये चार्ज करते हैं। तो इसको देख के तो मुझे बहुत फैंसी वाली फीलिंग आ रही थी। आप लोग बताइए कि आप लोग को ये कैसा लगा। आई होप मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप लोग तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।